कुरुक्षेत्र के कस्बा शाबाद ने पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों का धरना शुक्रवार दोपहर को समाप्त हो गया। बता दें कि मंगलवार से किसान शाबाद में पानी की टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के बार बार मनाने के बावजूद किसान सूरजमुखी खरीद की मांग को लेकर अड़े हुए थे कि सूरजमुखी की सरकारी खरीद की जाए। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि शाबाद से विधायक किशन बेदी हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं व सीएम के नज़दीकी माने जाते हैं। ऐसे में किसानों में रोष था कि उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। शुक्रवार को राज्य मंत्री किशन बेदी मौके पर पहुँचे व किसानों की मांगों को मानते हुए सूरजमुखी की खरीद शुरू करवाई। इस दौरान राज्य मंत्री किशन बेदी ने कहा कि सरकार सूरजमुखी का आखिरी दाना भी खरीदेगी, किसानों को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पिछले 5 सालों से सूरजमुखी खरीद रही है, सरकार इस मामले में गंभीर है। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान यूनियन की जीत हुई है, किसानों को उनकी तपस्या का फल मिला है, सरकार ने सूरजमुखी खरीद मांग मान ली है, अब इस्माइलाबाद व शाबाद में सूरजमुखी की खरीद होगी। इसकी हम चिंता कर रहे हैं और आखिरी दाना भी खरीदवाने का सरकार से मैं काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करेगी, मेरी सरकार का प्रशासन काम करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी करेगा। मैं कहता हूँ वो 150 की परचेज पर डे करते हैं और हमने एक मंडी का और इस्माइलाबाद को और दे दिया है, तो मैं नहीं समझता कि 31 आगे जाने की जरूरत है। जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच में एक बात कर रहा हूँ, किसान को एक पैसे का भी नुकसान ना हो, किसान की खून पसीने की फसल एक रुपया भी मंदे भाव ना बिके, इसकी हम चिंता करेंगे। सूरजमुखी की मैं किसान को ये विश्वास देता हूँ। भैया हम दूसरा को किसान यूनियन थोड़ी खरीद फसल खरीदने की, ये तो 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने की थी और 5 साल से हम खरीद रहे हैं। किसान यूनियन का या किसान की वर्दी पैर के कुछ नेताओं का काम नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के हित ऐसी सरकार की चिंता है कि मेरे किसान को फसल का पूरा मूल्य मिले, मेरे नौजवान को पारदर्शिता के साथ रोजगार मिले, मेरे महिलाओं को सम्मान मिले, मेरे छात्र को एडमिशन मिले, सब प्रकार की सुविधाएं देना हमारी जिम्मेवारी है। और यदि कोई इनके बीच में से अराजकता पैदा करना चाहते हैं, इलाके की शांति भंग करना चाहते हैं, वो इलाका देख रहे हैं। देखिए आज किसान यूनियन की बहुत बड़ी जीत हुई है, 4 दिन टंकी पर रहने के बावजूद उस तपस्या का फल आज किसानों को मिला है। और आज जो सरकार के अधिकारी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जितने किसानों की पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है, उन सभी किसानों की सूरजमुखी खरीदी जाएगी। उसके बीच में क्वांटिटी का मतलब नहीं है, उसके बीच में तारीख का बहुत नहीं। और इस्माइलाबाद मंडी में और शाहबाद मंडी में, दोनों मंडियों में खरीद होगी। और हम सभी आपके पत्रकारों के और सभी किसानों के और सभी जिन्होंने भी इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सभी के धन्यवादी हैं। और जो क्रांतिकारी हमारे कई दिन से टंकी बैठे हैं, उन सबके धन्यवादी हैं। और ये जो किसान संगठन का एक बहुत बड़ी जीत है। आपका आज वो जो आपकी विजय हासिल की, देखिए जो किसानों की असलियत मांग थी, जो सरकार ने किसानों के सभी कागजात पूरे होने के बावजूद भी जो बीच में खरीद बंद कर दी थी, और किसानों ने उसके बाद जो है एकजुटता दिखाई और अपना धरना जारी किया, और उस जो कैफी जद्दोजहद करने के बाद ये धरना प्रदर्शन चला, और धरना प्रदर्शन जो है बरसात में धूप में लगातार चलता रहा। उसके लिए सभी किसान भाइयों का, सभी मुलाजिमों का और सभी मीडिया के बंधुओं का, सभी का मैं बहुत बहुत बधाई का पात्र हूँ, जिन्होंने किसान की आवाज़ उठाई और किसान की जो है सूरजमुखी जो असलियत फसल रह गई थी उसको बुकवाने का काम किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो किसानों का प्यार है, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई है, और जिस तरह चाहें उस तरह की आप अपने तरीके से जो कहें करेंगे, और उनका है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।